वो तो मुझे पता नहीं है भाई, मैं इंडिया से हूँ अच्छा चले आप सुनिए। अच्छा जी। चले बता दे, क्या खोते खाना हाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि नहीं? खोते खाना मतलब खोता खोते क्यों खोता खाएंगे? डोंकी 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 मीट, डोंकी का मीट खाना सुन्नत नबवी है कि नहीं? डोंकी का मीट क्यों खाएंगे? नहीं मैंने ये नहीं पूछा डोंकी क्यों का मीट, खाएंगे किस खाएंगे, मैंने डोंकी पूछा आपसे डोंकी का डोंकी का मीट मतलब वैसे भी हराम भी तो बात नहीं है, मतलब खा हराम सकते नहीं है, नहीं, ये बताओ हराम तो नहीं है। सुन्नत तो है ना, सुन्नत, हाँ सुन्नत हो सकती है, मतलब सुन्नत हो ऐसे कोई सकती है। पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है ऐसे। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोते की दस्ती को, पकी हुई दस्ती को, ऑब्वियसली कच्ची को नहीं, अपने दांतों से खींच के उसकी बोटी बोटी उतार के खाई। पता है आपको इस हदीस का? सही बुखारी की हदीस है। अच्छा नहीं मुझे नहीं पता। और ये देखें याद करके दिखाते हैं आपको, तो एंड दिखाते हैं, आप बाकी स्ट्रीम को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, पूरी पूरी हदीस में दिखाई हुई अभी थोड़ी देर पहले। ये देखें कितने मजेदार बात है यार, मेरी स्क्रीन दिखाएं। मैंने वही दस्त पेश कर दिया, दस्ती यानी कि दस्त, दस्त पोटी को भी कहते हैं, वो वाली बात नहीं, ये होते कि फ्रंट यानी दस्ती की बात हो रही है। आपने इसे खाया, यहां तक कि आपने इसका गोश्त अपने दांतों से खींच खींच कर खाया और आप आराम में थे। तो नबी पाक का खाया जिस वक्त नबी पाक आराम में थे, खोते खाना सुन्नत हो गया। अच्छा हाँ नबी पाक ने किया तो सही है, आप खाएंगे सर? नहीं मैं तो नहीं कहूंगा, सुन्नत है सर, मैं सब काम होता है कंपलसरी सुन्नत का। सर देखिए सुन्नत फर्ज नहीं है तो जरूरी नहीं कंपलसरी है, तो नहीं है ना, लेकिन हाँ हाँ फर्ज कंपलसरी तो नहीं है, नहीं है बोल ना। तो रहा हूँ यार, फर्ज नहीं है और किस तरह बोलूं, लिख के हाँ दूं। मैं मानता हूँ सुन्नत जो है वो फर्ज नहीं है, लेकिन मैं ये पूछ कह रहा हूँ कि सुन्नत का काम करने पे सवाब मिलता है, राइट? कोई भी सुन्नत को पूरा करे तो सवाब मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है बेशक मिलता है, बेहतरीन। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सवाब मिल जाए, वो भी इसलिए कि पेट भी भर जाएगा और सवाब भी मिल जाएगा, तो खोता खाना पसंद नहीं करेंगे आप? कन्फर्म जनती, हेलो। नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा ऐसे, मैं तो अरे घर पे जन्नत खा के लिए लूंगा। दर्जा भर जाएगा भाई, कन्फर्म जनती होएंगे। मोहम्मद साहब ने खाया, तू नहीं खाएगा? मोहम्मद से प्यार ही नहीं करता? नहीं प्यार करने से मतलब वो जो खाते हैं उतना थोड़ी ना खाएंगे, तो ये तो उनके तो फिर बेवकूफ थूक लोग। मुबारक भी पी जाओ तुम। भाई ये कहाँ से उठा के ला रहे हो थूक, थूक कहां से सही पीना बुखारी से उठा के लाया हो यार? बुखारी में लिखा है 5460 बुखारी में ये लिखा है, बुखारी में ये लिखा है क्या मतलब क्या थूक लिखा थूक। है? आपने खोते का गोश्त की दस्ती अपने दांतों मुबारक से खेच के खाया। मैं पढ़ ले यार, उर्दू पढ़नी आती है? अंग्रेजी दिखा दूं? अगर उर्दू नहीं जी पढ़नी दिखा आती, दे, अंग्रेजी नहीं दिखाया तो नहीं आती नहीं आती, पहले कहना यार उर्दू नहीं आती, अंग्रेजी देख लेते हैं। कम ऑन यार, ऐसे ना किया कर यार। ये ले, एंड व्हेन वी मेट अल्लाह अपोस्टल वी आस्क हिम अबाउट इट, ही सेड हैव यू सम ऑफ द मीट विद यू, क्या तुम्हारे पास उसका कोई गोश्त है? आई गेव हिम द फोर लेग, मींस दस्ती उसको पेश की, एंड ही एट द मीट टिल ही स्ट्रिप्ड द बोन ऑफ इट्स फ्लैश, अच्छा हड्डी खाली कर दी बोटी से, स्ट्रिप्ड वो खाई द होगी। बोन ऑफ इट्स फ्लैश। हाँ हजूर ने इतना मजे से खोता खाया सर, और क्या चाहिए। अच्छा ये अब जो जाकिर नाइक है, ये ब्लास्फीमर हो गए मोहम्मद साहब के, नहीं कत्ल कर देना चाहिए क्योंकि इन्होंने ब्लास्फीमी किया मोहम्मद साहब की। क्यों? क्योंकि जाकिर नाइक ने कहा जो कुछ आप खाते हो आप वैसा ही बिहेव करते हो, अगर आप सुअर खाओगे तो आप सुअर की तरह बिहेव करोगे, तो लिहाजा अगर आप खोता खाओगे तो आप खोते की तरह बिहेव करोगे, तो इनडायरेक्टली उन्होंने को खोता कह दिया। अब मैं क्या करूं, अच्छा मैं जाकिर नाइक ने ऐसा कहा है क्या? जाकिर नाइक को एंड देयर इज अ साइंटिफिक थिंग दैट यू ईट पिग एंड यू बिहेव लाइक पिग। जी सर, तो ये जाकिर उससे नाइक पहले का कुछ, वीडियो काटा हुआ मैंने, तो जाकिर नाइक को हाँ तो उससे चपेड़ पहले मार कुछ के कहा इसका मुंह होगा, तोड़े कि नहीं तोड़े? जी सर सॉरी, उससे बोलिएगा पहले कुछ, दोबारा। उससे पहले कुछ कहा होगा क्या मतलब, वैसे ही मतलब नहीं ये नहीं कह उसने दिया उसने सवाल ये किया गया था, सुअर का गोश्त खाना सही है कि नहीं है, उसके ऊपर उसने बोला है अच्छा कि अगर तुम सुअर खाओगे तो सुअर की तरह रिएक्ट करोगे, इफ यू ईट पिग यू बिहेव लाइक पिग। तो अगर हम नहीं, ये तो इस तरीके की बेवकूफी इसी 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 बात को अमल करें, तो चूंकि मोहम्मद साहब ने खोते खाए, तो मोहम्मद साहब तो फिर इसको चपेट मारनी चाहिए कि नहीं? कहानी के खोती के बच्चे, तूने मोहम्मद को खोता बना दिया, कहना चाहिए कि नहीं? नहीं मुझे लगता जाकिर है नहीं, नहीं ये चीज तो मतलब गलत है, मतलब गलत है ना, जाकिर तो नहीं मेरे हीरो कौन आके खोती के बच्चे, तूने मोहम्मद को खोता क्यों बनाया मेरे नबी को? मैं जाकिर नहीं की बात कर रहा था, मतलब ये तो हाँ ना बेवकूफी उसी की, और किसी को, मैं जाकिर नाइक बता रहा हूँ कि जाकिर नाइक को कहोगे ना कि खोती की वजह, तेरी वजह से लोग आके कह रहे हैं कि मोहम्मद खोता, क्योंकि मोहम्मद ने खोता गया। और एडम भाई जाके ना खुद से थोड़ी कह रहा है, साइंटिफिकली प्रूव होना है, वो तो बोल रहा है ना। ओ तेरी खैर हो जाए, एक और बोंगी उसने मार दी कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है, तो ये तो बहुत बड़ी बोंगी है।
जाकिर नाइक तो ब्लास्फीमर है बहुत बड़ा, जहन्नम में सड़ेगा साला, एमी कुछ भी बोल देता है। कौन जन्नत में, जन्नत के घर में कौन जाएगा? तो अल्लाह अल्लाह जो पाक ब्लास्फीमर होगा वो तय जन्नत में जाएगा, करेगा। जो ब्लास्फीमर होगा जन्नत में जाएगा। प्लाज्मा मतलब अगर हाँ हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप तौहीन करते हो तो वो जन्नत में जा सकता है, जाहिर है कि वो अल्लाह को अच्छा नहीं लगता है। अब जन्नत में ताहिर की बात जहन्नम नहीं में है। ऐसी ये ब्लास्फीमी की डेफिनेशन ये है कि अगर आपने मोहम्मद के खिलाफ ब्लास्फीमी कर दी तो बाय डिफॉल्ट आप इस्लाम से बाहर हो गए। ये नहीं है कि आपने इस्लाम से बाहर हो गए ब्लास्फीमी अच्छा करनी है, हाँ डेफिनेशन हाँ ये ये बात कहती मुझे है कि पता। अगर आपने ब्लास्फीमी कर दी है तो आप बाय डिफॉल्ट इस्लाम से खारिज हो गए। ठीक है, तो इसने ब्लास्फीमी कर दी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं की, इनडायरेक्टली की है ना, इस्लाम से बाहर हो गया, जन्मी हो गया। इस्लामिक शरह से बात कर रहा हूँ मैं, बाहर से बात नहीं कर रहा। कुछ लोग कन्फर्म जन्मी है ना, और कुछ लोग कन्फर्म जनती है। जिहाद में मरोगे कन्फर्म जनती, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने दिन तक हाँ ये बात कही जिहाद थी। मरोगे कन्फर्म जनती हो, और अगर हाँ ब्लास्फेमी जिहाद करोगे हाँ तो हाँ कन्फर्म हाँ जन्मी हो। इसमें इसमें कोई दो राय अच्छा नहीं है, कन्फर्म कन ब्लास्फेमी पे जहन्नम कन्फर्म है? ऐसा नहीं है। कुरान की आयत ऐसा कहती तो है जिन मतलब लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जिहाद किया या जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बुरी बात की वो कन्फर्म तोहिन की। जन्मी हाँ है। हाँ बात खत्म, कन्फर्म अच्छा जन्मी। अच्छा नहीं मैं मुझे जिहाद का तो ये पता है लेकिन ये चीज़ का नहीं पता था मुझे। कोई बात नहीं सर, पता लग गया ना, कन्फर्म कोई नहीं, जन्मी। अगर वो अपने इंटेंशन से मतलब रसूल की तोहिन कर रहे तो ठीक इन्ना मल है। आमालु बिन नियाद। ओके चलो इस पे आ जाते हैं, अमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है, लेकिन एट द सेम टाइम अब वो जो मोहम्मद को ब्लास्फेमी करने का अमल सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, अगर आपकी गर्दन में तलवार हो। कुरान कहता है अगर तुम्हारी गर्दन तलवार है, तुम्हें अपनी मौत का अंदेशा है तो तुम कर सकते हो, वरना नहीं। यहाँ पे वो स्टेज पे खड़ा है, इसको अपनी मौत का नहीं है। वो कोई एग्जाम्पल दे सकता था सूअर ना खाने की, उसने ये वाली एग्जाम्पल दी। वंस अगेन इसमें नियत का फितूर नहीं है। अच्छा ठीक है सर, मुझे तो ये देखना पड़ेगा फिर। मुझे पता नहीं हजरत देख के मतलब आइएगा, आप किस जरूर इंटेंशन जुड़िएगा। आई लव यू, आप बहुत अच्छे भाई हैं, से। बहुत भाई अच्छे नहीं भाई नहीं हैं आप आप, बड़े अच्छे तरीके से आपने बात की। अच्छा वैसे छिपकली खाना पसंद करेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे आपसे कुछ और भी नबी पाक पूछना ने था वैसे। फरमाया अच्छा हलाल है, चिपकली खाना खा रहा हूँ। हलाल है, हलाल है। अरे अच्छा मुझे नहीं पता था नहीं चिपकली पता था? चले सबसे सर, ज्यादा। सर मेरी स्क्रीन अच्छा सुनिए दिखाएं, सही मुस्लिम अच्छा स्क्रीन दिखाएं। सही मुस्लिम की हदीस है, इब्ने उमर रिपोर्टेड दैट देयर वर सम पर्सन विद अल्लाह पर्सन, कुछ लोग थे जो मोहम्मद के पास थे, फ्रॉम अमंग हिज कंपेनियन उसके सुहाबाओं में से, साद बीइंग वन ऑफ देम, एक साद भी था वहां पे। देयर वॉट टू देम फ्लैश ऑफ द लिजर्ड व्हेन अ लिजर्ड व्हेन अ लेडी अमंग द वाइव्स ऑफ अल्लाह पर्सन सेड, तो उनके पास छिपकली का गोश्त लाया गया खिलाने के लिए। ये सुहाबी तुम्हारे कुछ भी खा जाते थे यार, छिपकलियां भी खा जाते थे। एनीहाउ तो वो एक लेडी ने जो मोहम्मद साहब की वाइफ है वो अल्लाह के पोसल के पास गई और कहा इट इज द फ्लैश ऑफ अ लिजर्ड, ये छिपकली का गोश्त है। देयर अपॉन अल्लाह मैसेंजर सेड, उसकी वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईट, खाओ खाओ खाओ, इट इज लॉफुल, ये हलाल है, खाओ बट नॉट माय डेट, मगर मैं नहीं खाना पसंद करता, मेरा नहीं दिल कर रहा, तुम लोग खाओ मैं नहीं खाना, हलाल है खाओ, हलाल है खाओ, मैं नहीं खाना अच्छा है। आप हंस रहे ले, इस पर रोना चाहिए भाई, मोहम्मद साहब ने छिपकली को लाल किया और क्या चाहिए। हाँ इंटरेस्टिंग सर लिखा हुआ, मैं बताया, झूठ पिक्चर बोल रहा हूँ, अरबी पढ़ लेते हैं, अरबी पढ़ लेते हैं, अरबी पढ़ लेते हैं। फइन्नहु हलालुन, बेशक ये हलाल है, फइन्नहु हलालुन, बेशक ये हलाल है। सर अब अच्छा हाँ आप क्यों नहीं खाते? हलाल चीजें खानी चाहिए ना यार। नहीं कोई फर्क तो नहीं है ना कि खाना खाना ही मैंने पड़ेगा। यार मैंने कब कहा फर्ज है यार, देखो गलत बात ना करना यार, मैंने कहा फर्ज है, मैंने कहा आपको लाजमन खानी चाहिए, कहा है नहीं कहा ना यार, क्यों ऐड कर, मेरी बातों में ऐड ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बड़ा गिन आप चुन के अपने लफ्ज रखता हूँ इन चीजों में, क्योंकि मैं मुसलमान रहा हूँ बड़े अरसे तक, मुझे पता है सुन्नत क्या है, फर्ज क्या है, क्या है। बेशक ये हलाल है भाई, सुहाबी खाते थे, सुहाबी तारों की मानिंद है। अगर आप किसी भी सुहाबी की कदम ब कदम चल पड़े, यानी जैसा वो करता था वैसा कर ले, तो आप मोहम्मद तक पहुंच जाएंगे, राइट? हाँ तो बस छिपकली मतलब खाएं, ये मोहम्मद तक तो पहुंचने का जरिया सुन्नत समझ के खाएं, सुहाबियों की सुन्नत समझ के खाएं, चिल। पता
पता नहीं ये तो अपना अजीब वगरीब हदीस से देख रहा हूँ यार, कहाँ अरे भाई से सही लिख मुस्लिम सकता की है हदीस, मुस्लिम, सही सही मुस्लिम मुस्लिम 1944, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा पता नहीं ऐसे भतीजे मैंने कभी देखी नहीं पहले। यार क्योंकि आपके मुल्ला दिखाते नहीं ना, मेरा हमारा क्या, मैं दिखाता हूँ वो चीजें जो आप लोगों ने देखी नहीं। ये बातें मैंने आज से 2 साल पहले की नहीं इस थी अपने बात से अंग्रेजी मैं चैनल आपसे, पे। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल इस बात से मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हमें सब चीज नहीं ही दिखाया जाता। हम ये दिखाते हैं कुछ ना, कुछ कुछ अर्से पहले मुझे ना एक चीज के बारे में पता चली, जो एक्चुअली वो मारिया किप्तिया के बारे में, मतलब मुझे तो, मैं तो हमेशा से जानता था कि इस्लाम में स्लेवरी हराम है, अरे इस्लाम लेकिन छोड़ कब रहे फिर? जैसे मैं बचपन से ही सुनता रहा था कि मतलब वो मौलवी साहब और जो हमारे जमात इस्लामी हिंद के बड़े आलिम दीन है, तो वो भी कहते थे कि स्लेवरी हराम है। तो मैं कुछ अर्से पहले मैं मुझे मारिया किप्तिया के बारे में पता चला, उन्होंने मतलब शायद वो यूरोप किसी और लैंड से थी, मिस्र के जो बादशाह थे उनसे गिफ्ट में मिला था मारिया किप्तिया। मेरे एक्चुअली पूरा परसेप्शन चेंज हो गया, मुझे लगता था कि ये चीज सही नहीं है। वैसे खैर मुझे डिटेल्स में तो नहीं पता, बट जब पता चला कि तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मुझे मैंने जाके ना, तो मेरे एक अजीज भाई है तो उनसे जाके मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई इस्लाम में जो गुलामी है वो तो मतलब बाकी जो मजहब थे उस वक्त, जैसे रोमन एम्पायर थे, पर्शियन एम्पायर थे, तो उनसे कई गुना बेहतर थे, इस हिसाब से कि लेकिन गुलामी तो थी ना, जो गुलाम थे आपके, जो गुलाम गुलामी थे थी ना। उनको आप, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो गुलाम थे तो उनको आप मतलब जो खाए वही खा, मतलब उनको भी वही खिलाए, जो पहने उनको भी वही पहनाए, अच्छा तो वो ऐसे मतलब अगर मैं ऐसे आपको, कह रहे। थिंक अबाउट इट, मैं आपको एक काम करने, बात एक एक प्रोपोजिशन देने लगा हूँ, बुरा नाम बनाइएगा। आप मुझे बड़े अच्छे भाई लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये प्रोपोजिशन आपको मैं दिमाग ही दे रहा हूँ, ओके? बुरा नहीं मनाना, ओके? मैं पहले कह रहा हूँ, और मैं आपसे पहले माजरत कर जी लेता जी हूँ, क्योंकि आप वो गंदे वाले मोमिनों की तरह नहीं, आप बड़े अच्छे भाई हैं, अच्छे तरीके से इज्जत से बात कर रहे, तो मुझे आपसे भी इज्जत से बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे एग्जाम्पल देना बड़ा जरूरी है। लेट्स अज्यूम कि एज ए सच्चा एंड पक्का मोमिन, मैं आपके इलाके पर अटैक करता हूँ, और आपकी दीदी को, आपकी मैं एज ए गुलाम उठा लेता हूँ, और मैं उसको अच्छे कपड़े भी दूंगा, मैं उसको खाना भी खिलाऊंगा, लेकिन उसको सुबह दोपहर शाम मैं सेक्स भी करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मलकल यमीन के साथ आप सेक्स कर सकते हैं, ये भी आपके स्कॉलर ने बताया होगा, क्योंकि अगर आपने वीडियोस देख के उनसे बात की है तो उनको पता होगा। क्या आपका ख्याल है कि आपकी दीदी, आपकी अप्पी ये खुशी से सेक्स करवा रही होंगी, या उनके लिए रेप होगा लेकिन वो मजबूरी की हालत में करवा रही होंगी, क्योंकि उनके उनके बस में कुछ नहीं है। मैंने आपको भी कत्ल करवा दिया या कर दिया, और आपके वालिद को भी, और अप्पी का अगर कोई हस्बैंड है तो उसको भी, या वो ऑलरेडी एक और जगह पे गया हुआ है, ठीक है, और ये अप्पी मेरे हाथ में आ गई है। डो नॉट नो, कुछ भी हो सकता है लड़ाई के दौरान, ठीक है, शायद वो भी स्लेव हो गया हो, वो किसी और के पास हो, अप्पी मेरे पास आ गई। क्या आपका ख्याल है कि ये एक अच्छी स्लेवरी है? देखिए स्लेवरी में जहाँ तक सर सुन मुझे सर, मतलब एक पता था सेकंड, कि स्लेवरी, स्टिक टू द पॉइंट, मैंने आपको एक हाँ एक्सप्लिसिट एग्जांपल दी है, क्या आपको वही लग बता रहा है रहा कि हूँ, ये एक अच्छी स्लेवरी है? देखिए वही बता रहा हूँ, देखिए स्लेवरी मुझे बचपन से लगता था स्लेवरी मतलब तो बुरी चीज़ है, मतलब होनी नहीं एग्जैक्टली, चाहिए। सो देयर इज नथिंग और कॉल्ड अच्छी और बुरी स्लेवरी, सुने इस बात को, ये आपका जो कॉन्टेक्स्ट, अच्छी स्लेवरी और बुरी स्लेवरी, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, और बड़ा अच्छे बात है कि आपको समझ लग गई है। ये कह देना कि स्लेवरी है और उस स्लेव के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं जिसमें स्पेशली सेक्स शामिल है, बाय डिफॉल्ट उसमें अच्छा बुरा खत्म हो जाता है उस वक्त। सुने इस बात को, समझे इस बात को, अगर मैं स्लेव लड़की के साथ सकता हूं जब मेरा दिल चाहे, और फिर उसे बेच सकता हूं, और वो कोई और उसके साथ सेक्स कर सकता है उस टाइम पे, ये बाय डिफॉल्ट इसमें अच्छी बुरी खत्म हो जाती है, इट इज प्योर स्लेवरी माय फ्रेंड। सो आपने जब ये सुना था कि हमारे स्लेव सबसे अच्छे थे, हम स्लेव को अच्छे तरीके से रखते थे, उसी वक्त आपके जहन में ये चीज चल जानी चाहिए थी कि अगर मेरी अप्पी को स्लेव बना लिया जाता, मेरी स्लेव बना लिया जाता, और वो इस तरह चुद रही होती, सॉरी एक्सक्यूज माई फ्रेंच, तो क्या मुझे अच्छा लगता? नहीं। अगर आप सिर्फ ये सोच लेते तो इस वक्त आप एज ए मुस्लिम मेरे सामने ना खड़े होते, आप एक्स मुस्लिम मेरे सामने खड़े होते। नहीं मुझे एक्चुअली उस वक्त ये लगा था कि उस दौर के हिसाब से शायद वो सही था, क्योंकि
बेहतरीन, उस दौर के हिसाब में, उस दौर के शराब पी जाती थी और उसको मुनासिब समझा जाता था। हजरत अली ने शराब पी के जब नमाज पढ़ी और उसमें सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ सके, जिसकी वजह से कुरान की आयत नाज़िल हुई थी कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। मोहम्मद के सिर्फ आखिरी 2 सालों के अंदर अंदर आयत आई थी कि हर नशावर चीज यानी कि खुमर यानी कि हराम है, ये आखिरी साल डेढ़ के अंदर आई थी। उससे पहले शराब हलाल थी। अगर मोहम्मद सडनली शराब को हराम कर सकता है तो स्लेवरी को भी हराम कर सकता था। मोहम्मद ने काबे के अंदर 360 बुतों को खत्म किया। अगर मोहम्मद 360 बुतों को खत्म कर सकता था और मुशरिकीन के खिलाफ लड़ाई कर सकता था तो स्लेवरी को भी कर सकता था। इट इज दी एंड दी ओवर, आज तक चल रही है, आज से नहीं चलेगी। लेकिन कोई एक हदीस भी नहीं है ऐसी। रादर मोहम्मद साहब की अपनी एक बीवी थी, उसका नाम मैमूना था, ने स्लेव को आजाद किया। और आजाद किया तो मोहम्मद जब आए, तो जब उनकी बारी आई, क्योंकि 11 बीवियां थी, बारी बारी एक एक दिन बांटा हुआ था, 11 दिन बाद उसकी बारी आई। मोहम्मद को कहा, मैंने अपने गुलाम को आजाद कर दिया। मोहम्मद ने कहा, ये क्या किया? अगर तू अपने से चचा को दे देती तो ज्यादा सवाब मिलता तुझे, मामे को दे देती तो ज्यादा सवाब मिलता। यानी कि स्लेवरी खत्म नहीं करो, आजाद नहीं करो, अपने मामे को दे दो, तुम्हें ज्यादा सवाब मिलेगा। तो भाई मुझे ये बताइए, और ये हदीसी है, आपने पढ़ी ऐसी हदीस? नहीं पढ़ी, मैं दिखाऊं? नहीं हो सकती है, क्योंकि जाहिर है कि आप तो ऐसे मतलब हवा में नहीं बातें करेंगे। सर यही तो बात है, हम कभी भी बात हवा में करते नहीं है, ठीक है? ये सही बुखारी की हदीस है, 259। हम हल्की फुल्की हदीस भी नहीं लाते हैं, हम सीधी सीधी बड़ी बड़ी हदीस लाते हैं, जिस किताब से लोग जल्दी इनकार भी ना करें, ठीक है? ये देखिए स्क्रीन दिखाएं सर, अमित भाई स्क्रीन स्क्रीन शो दिखा दे करो। सर। अब्बास ने कहा दैट मेमुना बिनते हरिथा टोल्ड हिम दैट शी मैनुमेटेड। मैनुमेटेड का मतलब होता है आजाद करना, अ स्लेव गर्ल। उसने अपनी आम लड़की को आजाद किया विदाउट द परमिशन ऑफ प्रॉफिट, नबी से परमिशन लिए बगैर। ऑन द डे व्हेन इट वाज हर टर्न, जब उसका दिन था, 11 बीवियां थी, 11 दिन बाद बारी आती थी, विद द प्रॉफिट मोहम्मद के साथ, शी सेड, डू यू नो अल्लाह मैसेंजर दैट आई हैव मैनुमेटेड माय स्लेव गर्ल। आपको पता है मैंने अपनी स्लेव गर्ल को आजाद कर दिया मोहम्मद साहब, आजाद कर दिया, मैंने आजाद कर दिया। ही सेड, रियली, कहीं में तूने आजाद कर दिया? शी रिप्लाइड, यस। अफर्मेटिव का मतलब होता है यस। ही सेड, यू वुड हैव गॉट मोर रिवॉर्ड, तुम्हें ज्यादा सवाब मिलता, इफ यू वुड हैव गिवन हर, अगर तुम उसको दे देते, टू वन ऑफ योर मेटरनल अंकल, अपनी माँ के तरफ से अंकल्स को, यानी कि मामूजाद मामुओं को, अरबी पढ़ लेते हैं, नहीं नहीं अम्मा मतलब इन, सॉरी, ना बताओ बताओ। आपको ज्यादा अजीम अजर मिलता, बड़ा अजर मिलता, बड़ा सवाब मिलता, अगर आप उसको अपने मामूजादों को दे देते। तो स्लेव आजाद करना, आजाद करना सिखाया गया कहां पे? सिखाया गया भाई, नहीं सिखाया गया, क्या करेंगे भाई? जी ना मतलब ये भी बताया गया था कि आप अगर स्लेप आजाद करोगे तो मतलब अल्लाह सोने कियां मिलेंगी, सोने कियां मिलेंगी। यहां पे कह रहे हैं कि अगर स्लेव को अपने मामूजाद को दे दोगे तो उससे भी ज्यादा नेकियां मिलेंगी। स्लेव को आजाद करोगे तुम्हें अच्छा सोने कियां मिलेंगी ना, लेकिन इस हदीस में क्या बताया जा रहा है? अगर 100 से ज्यादा लेनी है तो क्या करो? क्या कहा जा रहा है? अगर 100 से ज्यादा लेनी है तो क्या करो? यू वुड हैव गॉटन मोर रिवॉर्ड, ज्यादा सदा अजर मिलता। क्या 100 से ज्यादा लेना तो क्या करो? अपने मिटर्नल अंकल्स को दे दो। अच्छा मैं तो नहीं कह रहा सर, हदीस कह रही है ना, राइट? अच्छा तो 100 नेकियों से ज्यादा सवाब लेना तो क्या करना? घर में रखो स्लेव, मामूजाद को दे दो। अच्छा अच्छा जो अच्छा एक बात बताओ, जो बिलाल रदी अल्लाह अन्हु उनका उनका क्या हुआ था, उनको आजादी कब मिली बिलाल थी? कभी भी, जब तक मोहम्मद नहीं मरा वो आजाद नहीं था। मोहम्मद जब मर गया उसके बाद उसने कोई एक भी अजान दी, बल्कि हमारे पास सीरा की कुतब में आता है कि बिलाल ने कहा, मुझसे अजान नहीं दी जा रही अब, मोहम्मद मर गया, मुझसे अजान नहीं दी जा रही। उसके बाद उसने कभी अजान नहीं दी। उसको सुबह सुबह उठ के मस्जिद को साफ करना पड़ता था, साफ करके अजान देनी पड़ती थी। दुनिया में कोई और काम नहीं कर सकता था, वो मदीना से दूर कहीं नहीं जा सकता था। क्यों? उसको जोहर से पहले के अजान देनी है, असर से पहले सफाई करके अजान देनी है। ही वॉज अ ब्लडी स्लेव ऑफ मोहम्मद, ही केप्ट एज अ स्लेव। उमर को कहता रहा, उमर, या उमर, अगर तूने मुझे अल्लाह के लिए खरीदा है तो आजाद कर, अगर अपने लिए खरीदा तो ठीक है। और एंड में क्या हुआ? उसने कहा, शुक्र है मोहम्मद, मोहम्मद मरा, सॉरी, वफात हुई, कुछ भी कह लें आप अच्छे भाई हैं, सॉरी मेरी ब्लास्फेमी को एक्सक्यूज कर दें, क्योंकि आप एक अच्छे भाई हैं। जिस दिन मोहम्मद की वफात हुई उसके बाद बिलाल ने एक भी अजान नहीं दी। उसने कहा, शुक्र है मेरी गुलामी आज खत्म हुई, क्योंकि जो मेरा मर गया।
सीरा की सब कुतुब में है कि जिस दिन मोहम्मद की वफात हुई उसके बाद बिलाल ने मस्जिद नबी में अजान दी। एक दफा अली आए, अली के आने की वजह से उसका हुआ कि यार अजान दो, मुझे आज नबी का जमाना याद करना है। बिलाल ने अजान देना शुरू किया, बीच में रोना शुरू कर दिया, नाटक शुरू कर दिया। नाटक करूंगा तो ही मुझे बख्शेंगे वरना फिर मेरी ड्यूटी लग जाएगी। उन्हें नाटक किया, रोना शुरू कर दिया, हिचकी बंद गई, इतनी बंद गई, उसने रोना इतना रोना शुरू किया, अजान ही नहीं पूरी हुई। दूसरे को कहा यार अजान पूरी करो, उसके बाद बिलाल ने कभी अजान ही नहीं दी। बिलाल चिल, अब नहीं उसे सुबह सुबह उठना, अब मस्जिद साफ नहीं बिलाल, करनी, अब अजान नहीं देनी, खत्म, अच्छा गेम बिलाल रजी ओवर। अल्लाह अनु ज्यादा ज्यादा लगता है मुझे वो अबू बकर रजी अल्लाह अनु के गुलाम देना, तो मोहम्मद के लिए मैंने खरीदा था ना सोचा उसने, मोहम्मद के लिए खरीदा था, मोहम्मद ने कहा था ना इसको खरीदो, मोहम्मद के ऑर्डर पे खरीदा था ना, खुद हाँ अबू हाँ बकर ने हाँ जाकर हाँ तो नहीं खरीद लिया था, मोहम्मद के ऑर्डर पे खरीदा था। ही वॉज बॉट फॉर मोहम्मद, पैसे अबू बकर ने दिए थे, लेकिन मोहम्मद था ना। एग्जैक्टली, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरीदा था। थैंक यू। तो दैट इज वाई, क्योंकि वो मोहम्मद के लिए खरीदा था, इसी वजह से तो बाद में उसने मोहम्मद मार गया, गेम खत्म, अबू बकर खलीफा हो गया। वो खलीफा हो गया, उसे क्या परवाह कि मदीना में अजान कौन दे रहा है, मस्जिद नबी के अजान कौन दे रहा है, डज ही केयर? अब वो अच्छा बैठा हुआ उधर मक्का में खाना काबा के पास, डज ही केयर कि मदीना में अजान कौन दे रहा है, कौन से फोन है, कौन से मोबाइल चल रहे हैं, डज ही केयर? ही डजंट केयर। उसने, अबू बकर ने अपनी बेटी दी थी मोहम्मद को 9 साल की डिंग जी जी डोंग फरमाने के लिए, अब उसे उसके बदले में उसको मिल गई है बादशाह, ही बिकेम अ खलीफा। हालांकि मोहम्मद के हदीस है, मन कुन तुम मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं, जिसका मैं मास्टर हूं, जिसका मैं आका हूं, उसका अली आका है। मन कुन तुम मौला फहाजा अली मौला, अली को बनना लेकिन चाहिए था सबसे खलीफा। सीनियर मोस्ट या लेकिन जो सबसे सीनियर सीनियर मोस्ट सुनियर नहीं पॉपुलर होता है यहाँ पे, सीनियर नहीं होता यहाँ पे, होता है कि मोहम्मद ने किसको कहा मन कुन तुम मौला फहाजा अली मौला। आपको पता है कि 6 साल के बच्चे ने एक नमाज पढ़ाई है, पढ़ाई है, अच्छा इस लोगों की 6 साल के बच्चे ने नमाज पढ़ाई है। एज के ऊपर डिपेंड नहीं करता इस्लाम में, किसका किसका ज्यादा है दीनी काम, ठीक है। अली को मोहम्मद ने कह दिया मन कुन तू मौला फहाजा अली मौला, अबू बकर कहां से आ गया? अबू बकर के बारे में कहा है? नहीं कहा। अच्छा अच्छा हाँ वो तो मतलब ये आर्गुमेंट तो शिया लोग देते हैं कि ये सुन्नी कुतुब के अंदर है, अच्छा सुनने की किस किताब में ये अच्छा ये हदीसों की किताब में आपको दिखाया था, ये ले तिर्मिजी ले ले, अहमद ले ले, इमाम अहमद हम्बल ले ले, कुछ भी ले ले, उसकी ट्रांसलेशन नहीं करते ये साले, वो एक अलग बात है। बहुत कुछ मतलब जानने को मिला। दिखाएं सर इनको हदीस, दिखाएं ट्रांसलेशन, अमित भाई आदि शो करो ट्रांसलेशन देखे कितनी गलत की हुई है। इफ आई एम अ पर्सन मौला, अब मौला इंग्लिश में किसी को समझ नहीं आएगा। आगे है फ्रेंड एंड सपोर्टर, स्टूपिड इडियोटिक ट्रांसलेशन। मौला मींस आका, क्या है, मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला, अली उन मौला, फहादा नहीं, यहाँ पे अली उन मौला है। मन कुंतु मौला फहादा मौला, जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं आका हूँ, जिसका मैं मास्टर हूँ। लुक एट दैट स्टूपिड ट्रांसलेशन, कितनी गलत ट्रांसलेशन की है, फ्रेंड एंड सपोर्टर, स्टूपिड इडियट डेमोनिक। अली को खिलाफत मिलनी चाहिए थी मोहम्मद की हदीस पे। एक और हदीस देख लेते हैं, अहमद मुस्नद अहमद की एक और हदीस है। सर आप इस वक्त एडम सीकर के सामने खड़े हैं, आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ये देखें। गदीर खुम के मौके के ऊपर मैंने सेड में देर वगैरह वगैरह वगैरह, क्या है यार, किधर है? इफ आई एम पर्सन मौला, यहाँ पे ट्रांसलेशन ही नहीं की, अली इज आल्सो हिज मौला, आल्सो हिज मौला, यहाँ पे फहाजा अली होना चाहिए। मन कुंतु मौला हूँ, अली उन मौला हूँ, खत्म। आपके मुस्नद अहमद में तिरमिजी में भी है, ये तिरमिजी के अंदर भी मौजूद है, ये लो। For whoever I am his Mawla, then Ali is his Mawla. Man kuntu Mawla, fahaz Ali ul Mawla. Thank you. भाई, सुन्नी दिखाते नहीं है अच्छा आपको, सुन्नी दिखाते नहीं है, अली हक में था, अली को मिलनी चाहिए थी खिलाफत। लेकिन अबू बकर ने अपनी बेटी दी थी 9 साल की, बेटी कुर्बान की थी, 9 साल की बच्ची 53 साल के बाबे को, 6 साल की बच्ची, सॉरी, 6 साल की बच्ची 53 साल के बाबे को दी, क्यों दी? 9 साल में रुख्सती भी करवा दी कि उसके तो साथ सेक्स करे, क्यों करे? ताकत के लिए भाई। अच्छा तो उस वक्त अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने प्रोटेस्ट नहीं किया था अली 3 साल, तीन मतलब अली 3 दिन की मुसाफत पे था, गया हुआ था, 3 दिन वापस आया, मोहम्मद की लाशा अभी तक पड़ा हुआ है, दफनाया नहीं गया, और यहाँ पे जो खिलाफत अबू बकर ने ले ली लोगों को इकट्ठे करके, मोहम्मद का जनाजा नहीं पड़ा, खिलाफत ले ली। ये भी इस्लामिक कुतुब के अंदर है। तारीख
दान तारीख तिबरी अपनी किताब में लिखता है, वॉल्यूम नंबर 6 के अंदर बताता है, नहीं 7, 7 के अंदर बताता है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 7 के अंदर बताता है ये वाली सारी बात। मम्मा का जनाजा पड़ा है, घर में बो आना शुरू हो गई, मुस्तरद अल सहीहैन के अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर बो आना शुरू हो गई, और वहां पे गेम चल रही है खिलाफत कौन लेगा, अली 3 दिन बताया उसने दफनाया। सुन्नी कुतुब बता रहा हूं अभी, शिया कुतुब पे नहीं गया, शिया कुतुब पे जाऊंगा तो गालियां निकलेंगी, वो इस तरह की हर बात के एंड में गाली देते, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल अबू बकर अली अब उस्मान, वो तो गालियों के साथ लिखी हुई है सारी चीजें, लानतों के साथ लिखी हुई है। मैं सुन्नी कुतुब बता रहा हूं अभी, सर ताकत की गेम थी, जिस तरह चाइनीज एम्पायर के अंदर एक बादशाह मर जाता था पूरे घर में कत्लो कताल शुरू हो जाते थे, सेम वही चीज हुई है और क्या। इमाम हुसैन करबला क्यों गए थे, लेकिन करबला क्यों गए थे, इमाम हुसैन सिर्फ 72 लोगों के साथ करबला क्यों गए, सोचो एक बार सोचो। नहीं, लेकिन ये बात भी तो बताया था, उसके बाद भी अली ने कोई प्रोटेस्ट कैसे करता ना, करके उसके पास बंदे ही नहीं थे, कर मरा तो मरवाया, तुम्हें पता है छुरा करवाया उसको, छुरा लगवाया उसकी बीवी के रेफरेंस से। चलो छोड़ दो, सुनी सुनियों के ऊपर आओ, प्योर सुनी, फॉरगेट द बीवी, प्योर सुनी, अबू बकर को अपने ही कमरे में छुरा मरवाया, तलवार मरवाई, सॉरी तलवार नॉट छुरी, तलवार, ठीक है। उसके बाद कौन आ गया, थैंक उमर यू, उमर को जहर दिलवाया, उसके बाद कौन आया, उस्मान को उस्मान, दिलवाने उसके साथ क्या हुआ, उसको भी मरवाया, उसके बाद कौन आया, अली, अली अदालो अली को क्या किया, जी छुरी, मस्जिद के अंदर छुरी मारा, खंजर मारा मस्जिद के अंदर, नहीं, अबू बकर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या हुआ, शायद उसके बाद नेचुरल किसने डेथ बनना हो गई था, उसके बाद किसने बनना था, इमाम हुसैन ने, इमाम हसन ने, इमाम हसन ने बनना जी। था, इमाम हसन को क्या किया, अपनी ही बीवी ने नशा करवा के मरवा दिया जहर से। उसके बाद वो कौन तो रह गया, इमाम कंस्पिरेसी थी ना, हुसैन, वो तो बड़ी से जी, वो तो बड़ी बड़ी कंस्पिरेसी थी ना, यजीद और कंस्पायरेसी क्यों हुई है मुआविया। सर, क्यों हुई है कंस्पायरेसी, उस साइड पे माविया ने अपनी हुकूमत ले ली है, इमाम हुसैन ने बोला कि भाई हुकूमत मेरी बनती है, तूने कैसे ले ली, यहां पे इमाम हुसैन के लिए, इमाम हसन सॉरी, इमाम हसन सॉरी, माय बैड लेट मी रिपीट, माविया बादशाह बन गया, इमाम हसन ने गेम डालना शुरू की, वो जगह जगह गए, जगह जगह गए, जिस जगह जाते थे उस जगह के ऊपर वो शादी भी कर लेते थे। इमाम उसके बारे में हदीसें हैं कि उनकी दुनिया में उन्हें सबसे ज्यादा तलाकें दी हैं, 40 या 400 तलाकें दी हैं, शिया कुतब में लिखा हुआ वो तलाकें नहीं है, वो मोता है, 400 लड़कियों का मुता किया, जिस जगह जाते थे लोग अपनी लड़कियां खुद दे देते थे कि हमारी खानदान में मोहम्मद के नवासों का खून आ जाए। बहरहाल बी एस फॉरगेट ऑल दैट, उन्होंने लोगों को इंसाइट करना शुरू किया कि मैं माविया के खिलाफ, माविया ने उसके साथ एक मुआहिदा करवाया कि माविया और इमाम हसन का फिर एक मुआहिदा हुआ, मुआहिदा क्या हुआ, इमाम हसन का, इमाम हसन का माविया का मुआहिदा, मुआहिदा क्या हुआ कि भाई मैं खलीफत लूंगा, मेरे बाद तू हो जाएगा, मेरा बेटा नहीं लेगा, ये मुआहिदा हुआ। अब माविया मरने वाला है, उसने कहा यार गेम खराब हो रही है, मेरी तबीयतें खराब हो रही हैं, बाद में इसने मेरे बेटे की खिलाफत के ऊपर खड़ा हो जाना है, मैंने तो मुआहिदा किया हुआ, उसने इमाम हसन को जहर दिलवा के मरवा दी। देखो बिल्कुल चाइनीज डायनेस्टी वाली गेमें चल रही हैं, इमाम हसन को उसने जहर देके मरवा दिया, इमाम हसन जहर देके मर गए, माविया के बेटे ने खिलाफत ले ली, इमाम हुसैन खड़े हुए कि भाईजान इमाम हसन के साथ वायदा हुआ हुआ था, वो उसने क्या कहा, उसने कहा मायदा इमाम हसन के साथ हुआ था, वो मर गया, तेरे साथ खिलाफत का मायदा नहीं हुआ था, चुप करके बैठ, मेरे बाप का मायदा इमाम हसन के साथ हुआ था, मर गया तेरे साथ नहीं हुआ। अब इमाम हुसैन ने क्या किया कि कू लगाने की कोशिश की, उसने बंदे भेजे कूफा, कूफा बंदे भेजे, दो दो बंदे भेजे, कूफा वालों से पूछा, कूफा वालों मेरे साथ खड़े हो गए, मैं आता हूं तुम्हारे साथ, मेरे साथ खड़े हो गए, हम माविया का तख्ता उल्टेंगे। कूफा वालों ने कहा हाँ, एक बंदा वहां से निकला बताने के लिए इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन आ जाओ वो खड़े होंगे आपके साथ, ये बात पता लग गई यजीद को, यजीद ने कहा इसकी माँ की बहन की सिरी, उसने एक फौज भेजी कि इमाम हुसैन को कूफे ना पहुंचने देना, दूसरी फौज उसने भेजी कूफा, और एक कूफा वालों का मुहासरा किया और कहा कूफा से कोई बाहर ना निकल सके, तो कूफा सिटी का मुहासरा हो गया, उसके एक लोगों को कहने के कोई बाहर ना निकले, इमाम हुसैन को करबला वाले मकाम पे रोक लिया मुआविया के लोगों ने कि तू यहां से आगे नहीं जा सकता, वापस दफा हो जा, इसको था कि उन लोगों ने वादा कर दिया हुआ है वो लोग आएंगे, उनको जब पता लगेगा वो आएंगे,
वो तो फौज के साथ जा ही नहीं रहा, उसे फौज तो मिलनी थी कूफा में, वो तो 72 लोगों के साथ जा रहा है अपनी फैमिली शुमली के साथ, फैमिली वहां रखूंगा लड़ाई करने चले जाऊंगा। अब इमाम हुसैन के पास क्या चीज बचती थी, यहाँ तो वेट करे, उसने कहा वेट करूंगा, लड़ाई तो कर ही नहीं रहे, वो जा रहे हैं पानी लेने, 5वें दिन पानी बंद हुआ, पानी लेने जा रहे हैं, वो कह रहे जी नहीं पानी लेने देना, वापस दफा हो जाओ, प्रॉमिस करो कि तुम वापस दफा हो जाओगे तो हम तुमसे गेम करते हैं। उन्होंने कहा वापस नहीं जाऊंगा, उन्होंने कहा जो पानी लेने आएगा मार देंगे, मारते गए, बाय बाय टाटा, करबला का वाकया बन गया। हर करबला के बाद जिंदा होता है इस्लाम, कहां जिंदा, तो मरा वहां पे कौन सा इस्लाम जिंदा होता है। अगर नहीं इमाम हुसैन मतलब कूफा पहुंच वो तो जाते ठीक, और यजीद को कब्जा कर लेते, यजीद का तख्ता उलट देते, तो इस्लाम ज्यादा जिंदा होता है या इस वक्त ज्यादा जिंदा होता? अरे भाई सारी गेमें हैं, कू लगाने की कोशिश किया, कू किसे कहते हैं, CoUP, कू, यानी जब जब जी, मुल्क में वो लगती है, कू लगाने की कोशिश पता नहीं, की। लेकिन देखो ही वाज अ पर्सन हु वाज तख्ता उलट रहा था बादशाह का। हाँ, लेकिन यजीद तो लेजिटिमेट लूला था, नहीं ना? तो कौन सा उस लेजिटिमेट, इमाम, अबू बकर लेजिटिमेट बनता था? अभी मैंने आपको दिखाया मन कुंतु मौला फालियुन मौला, अबू बकर बनता था लेजिटिमेट? नहीं यार, दैट्स इट माय फ्रेंड, ओपन योर हिसाब माइंड से मतलब माय फ्रेंड, ओपन योर माइंड, इस्लामिक से बाहर निकल के इस्लामिक चीजों को देखो, जस्ट ओपन योर माइंड। जिस दिन आपने अपना दिमाग खोल लिया, इस हुरमत मोहम्मदी को साइड पे रख के देखोगे, आप वैसे ही बोलोगे जो मैं बोल रहा हूं, फर्क नहीं कोई आएगा, गारंटी दे रहा आप पहले मुसलमान थे? हूं। ऑब्वियसली सारी जनती है भाई, अच्छा, आप कहाँ से? इंडिया से? ठीक पाकिस्तान से। है भाई, कोई नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जब भी आए कोई भी आपको सवाल हो आप आगे कर सकते हैं, ठीक मगर है, जी सोचिएगा जरूर इन बातों पे। जी जी अल्लाह हाफिज़ भाई, बहुत शुक्रिया, सलाम अलैकुम। शुक्रिया हैदर अली साहब, शुक्रिया जुड़ने के लिए, आप आते रहें। Just do it!